प्रतिभा सिंह जनता की सहानुभूति के कारण जीती है, क्योंकि स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन से मंडी की जनता में दुख का माहौल था और ऐसे में उनकी धर्मपत्नी द्वारा चुनाव लड़ने पर उन्हें सहानुभूति वोट पड़े हैं, ना कि उनके किसी कार्यों की वजह से उन्होंने जीत हासिल की है। यह बात हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से विजेता कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह पर सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने निशाना साधते हुए कही। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा सीट व 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जहां कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के दामन में डाली है, तो वहीं इस जीत को लेकर अब सत्ता पक्ष के नेता निशाना साधते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मंडी सीट से विजेता कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के पक्ष में पड़े मतों को सहानुभूति के वोट बताया है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इन उपचुनावों का 2022 के विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं दिखेगा। वहीं उन्होंने 2022 के चुनाव में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का भी दावा किया। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और महालक्ष्मी जी से कामना करता हूं कि सारा समाज हमारा सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो और आपसी जो भाईचारा है वो बहुत सुदृढ़ हो। और इस अवसर पर आज हमारे यहाँ नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसके लिए मैं उनका भी यहाँ पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आज दिवाली पे कम हुई हैं, एक सौगात केंद्र सरकार ने दी है। सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, पर केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस दृष्टि में कदम उठा रही है कि जो कोरोना की वजह से देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई का दौर चला हुआ है, उसमें अपने देश को उस महंगाई से निजात दिलाने के लगातार कार्य किया जा रहा है और धीरे धीरे जो है महंगाई जो है कम होगी। पेट्रोल डीजल के रेट्स भी कम हो रहे हैं, ये भी एक शुभ संकेत है और आदरणीय मोदी जी इसके लिए चिंतित हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सस्ते राशन के डिपुओं से हम लोगों को जो है सस्ते दरों पर जो है राशन उपलब्ध करा रहे हैं। सर, जो चुनाव उपचुनावों का जो रिजल्ट आया उससे कांग्रेस को ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, निश्चित देंगे आप? स्वाभाविक है, कांग्रेस उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई डिमोरलाइज्ड है। एक सहानुभूति के वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं, ये कांग्रेस के कर्तृत्व के वोट नहीं है, ये केवल सहानुभूति के वोट हैं। दिस इज ए टेम्परेरी फेज और जिसका आने वाले 2022 के चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार प्रदेश में फिर से बनाएगी, क्योंकि हमारी सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य कर रही है। सी डी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।